हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हर्ष शर्मा, कैसे हो आप लोग? आइए बढ़िया होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेना चाहते हो तो अपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हमारे सामने खड़ी है व्हाइट कलर में टाटा अल्ट्रोस, जो कि काफ़ी प्रीमियम आती है अपने बजट में। और मैं अगर इसी मॉडल की बात करता हूँ तो भाई XM मॉडल है, थर्ड टॉप मॉडल रहता है इसका। इस वीडियो में पूरी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बात करने वाले हैं। सो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके आपको इसमें ओवरऑल फ्रंट व्यू देखने के लिए मिल जाता है और बीच में टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करता हूँ तो आपको इसमें दोनों ही मतलब पूरा ही हेलोजन का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और फॉग लैंप्स भी आपको इसमें हेलोजन देखने के लिए मिल जाते हैं, इंडिकेटर भी हेलोजन देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके आपको इसमें ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करता हूँ तो भाई इसमें आपको MRF टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 185, 60 और 16 के टायर देखने के लिए मिल जाता है। और किसी तरीके का आपको इसमें अलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलते, स्टील व्हील और नॉर्मल व्हील कैप देखने के लिए मिल जाती है। और भाई ये आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में देखने के लिए मिल जाती है और आपको इसके फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक और रियर टायर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं इधर बात करता हूँ तो यहाँ पे इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाती है और वेम पे इंडिकेटर नहीं देखने के लिए मिलते। और अगर मैं की बात करता हूँ तो भाई इसमें आपको कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है। पुश बटन स्टार्ट मारती है तो इसमें दोनों ही सेंटर लॉक की देखने के लिए मिल जाती है और इसमें आपको कीलेस एंट्री भी देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे भी गाड़ी अनलॉक है तो यह सॉरी लॉक थी तो अब ये अनलॉक हो चुकी है। मैं इसके अगर डोर की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके आपको इसमें फ्रंट डोर देखने के लिए मिल जाती है, चारों पावर विंडो। और यहाँ पे इसका आपको डोर लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पे इसमें आपको अपना थोड़ा बहुत सामान वामान रख सकते हो, जैसे कि आप पूरा इसका डैशबोर्ड देख के समझ ही गए होगे मैं इसको प्रीमियम क्यों बोल रहा था। यहाँ पे आप इसको देखोगे ना, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। बीच में अल्ट्रोस की बैजिंग और कुछ अच्छे से इसके एसी वेंट प्रीमियम से। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे 7 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। हरमन के स्पीकर, इसमें 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे इसमें आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें यहाँ पे आपको इसको USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कप वप रख सकते हो 2। और यहाँ पे इसका आपको हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। इसमें ना किसी तरह का कोई आर्म रेस्ट नहीं देखने के लिए मिलता। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ तो भाई ग्लव बॉक्स देखो इसमें कितना बड़ा, कितना स्पेस है इसमें अंदर तक। और इसमें आपको अंदर हेलोजन लाइट भी देखने के लिए मिल जाता है, छोटा सा हेलोजन बल्ब। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुश बटन स्टार्ट में देखने के लिए मिल जाती है। इसको यहाँ पे इसमें पुश बटन स्टार्ट देखने के लिए आ जाता है। और जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें MID देखने के लिए मिल जाती है। इधर राइट में इसका स्पीडोमीटर और बीच में इसका RPM मीटर देखने के लिए मिल जाता है। और मैं बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें AC वेंट आ जाता है। और मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। इसमें फ्यूल आप देख रहे हो, शोरूम में जो गाड़ी खड़ी रहती है फ्यूल तो कम रहता ही है। तो मैं इसकी अगर इधर बात करता हूँ तो लाइट वगैरह एडजस्ट करने के लिए आ जाता है। इधर बात करता हूँ तो इसमें आपको वाइपर वगैरह का एडजस्ट करने के लिए आ जाता है। और इसका कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग, यहाँ पे इसमें इसके कंट्रोल वगैरह आ जाते हैं नीचे से फ्लैट बॉटम। और यहाँ पे ना इसका पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं आती, इनकी मोस्टली गाड़ी सब जैसे पियानो ब्लैक फिनिश में आती है। और अगर मैं इधर बात करता हूँ तो आपको इसके कैबिन लाइट में हेलोजन बल्ब देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डे नाइट को अगर आप एडजस्ट करोगे तो नीचे इसमें डंडी सी दे रखी है, वही आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर यहाँ पे किसी तरीके का कोई वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलता और इधर आपको इसमें वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसमें एयरबैग्स की बात करता हूँ तो इसमें आपको 2 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है, टाटा की हर गाड़ी की 4 से 5 स्टार रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे अभी मैं हाइट के अकॉर्डिंग इसकी सीट का एडजस्ट करता हूँ, भाई अब पीछे चल के देखते हैं इसमें पीछे कितना स्पेस है। बाकी मुझे तो इस रेंज में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, हैचबैक वगैरह में अपनी पूरा सेगमेंट का। आप इसका जो पीछे का डोर है यहाँ से ओपन करने के लिए मिल जाता है। और अभी मैं जैसे बैठ चुका हूँ तो भाई देखो कितना स्पेस बचा है। मैंने 5 फुट 10 इंच के आसपास मेरी हाइट है। और इसमें काफ़ी आपको लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है और हेड रूम भी ठीक ठाक ही है। अब जैसे गेट लगा तो वो आई ना, इससे पता चला कि हम टाटा की गाड़ियाँ बैठे हैं। भाई इसमें 3 आदमी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, मतलब ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो नहीं बैठ सकते, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हैचबैक्स में होती है, लेकिन 2 तो बैठ ही सकते हैं। 3 भी आप इसमें ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे ही परेशानी आने वाली है, थोड़ी बहुत दूर तक परेशानी नहीं आने वाली। इधर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको काफ़ी ठीक ठाक सा स्पेस देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान वामान रख सकते हो। इसके बाद अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ, यहाँ पे इसमें आपको बटन दे रखा है, इसका आप बूट ओपन कर सकते हो। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ तो भाई इसमें देखो कितना बूट स्पेस है। अगर लीटर वाइज बात करता हूँ तो आपको इसमें 345 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इसमें आपको पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैं इस मॉडल में बात करता हूँ तो भाई आपको बैक कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो T के बैक है और इसमें यहाँ पे अल्ट्रोस की बैजिंग और टाटा की बैजिंग
देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं इधर बात करता हूँ तो भाई इसका यहाँ पे पेट्रोल टैंक आ जाता है जो कि 37 लीटर का, और माइलेज की बात करता हूँ तो आपको 18 से 24 का माइलेज निकाल कर देती है जो कंपनी बताती है। उसके बाद इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको 12 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, और अगर आप इसमें डीजल वेरिएंट में जाओगे तो इसमें आपको 15 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इस वाला वेरिएंट जो हमारे सामने खड़ा है ये पेट्रोल में है, तो जो कि 12 cc में और 86 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे और आपके लिए इसकी प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं, तो भाई ये 918 की ऑन रोड पड़ती है मवाना में, और जो कि मेरठ के पास पड़ता है। और मैं अगर इसके शोरूम की बात करता हूँ, जैसे मवाना का जिक्र आया, तो भाई मवाना में अभी कुछ ही दिन पहले शोरूम खुला है, और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर मवाना के आसपास के हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा इसका। इसके बाद भाई अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, तो भाई सबसे मस्त चीज़ है आज की डेट में सेफ्टी, तो भाई टाटा से ज़्यादा किसी कार में या किसी गाड़ियों में टाटा से ज़्यादा सेफ्टी देखने के लिए नहीं मिलती। इनकी मोस्टली सभी गाड़ियों की 4 से 5 स्टार रेटिंग देखने के लिए आपको मिल जाती है। काफ़ी मजबूत भारी भरकम सी गाड़ी बनाते हैं, और अगर आप इस रेंज में कोई प्रीमियम सी हैचबैक देख रहे हो तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी को ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी और गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।